नमस्कार, मैं दिव्या धरोधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। ओडिशा में शुक्रवार देर शाम बालासोर जिले में बहानागा रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 132 लोगों के घायल और 50 लोगों की मौत की खबर आई है। मामले पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार मामले में फैसला सुनाते हुए बेहद अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब वर्ष में एक बार श्रृंगार गौरी की पूजा से मस्जिद के चरित्र को कोई खतरा नहीं होता है, तो रोजाना या साप्ताहिक पूजा से मस्जिद के चरित्र में बदलाव कैसे हो सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तेज हो रही सियासी खींचतान के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहमियत को भी स्वीकार किया है, लेकिन यह भी कहा है कि विकसित भारत में ऐसे राजनीतिक दलों का कोई महत्व नहीं होगा जो संकुचित सोच के साथ काम करेंगे। व्यक्ति, परिवार और जाति पर केंद्रित दलों के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि वायुसेना उत्तरी सीमाओं पर हो रहे घटनाक्रमों से पूरी तरह अवगत है। 2020 में गलवान घाटी संकट के बाद से वायुसेना लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रही है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए रणनीति बदल रही है। बीजेपी के महासंपर्क अभियान के साथ साथ टिफिन बैठक भी लोकसभा सीटों पर की जाएगी। इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा से कर रहे हैं। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि टिफिन बैठकों के जरिए पार्टी नाराज पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जहां मनाने में जुटेगी। दरअसल टिफिन बैठक का मकसद पार्टी के सांसद, मंत्री और पदाधिकारियों को एक साथ बैठाना और टिफिन पर उनके साथ चर्चा करना है। इन दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा से जहां एक ओर आर्थिक रिश्तों को मजबूती मिली है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक स्तर पर संबंधों में आई रुकावटों को दूर करने के लिए प्रचंड ने पहल की है। गुजरात की रहने वाली बेबी अरिहा शाह 20 महीने से जर्मनी में फंसी हुई है। वहां से उसे चाइल्ड केयर सेंटर में रखा गया है। बच्ची के माता पिता पर आरोप लगाकर बच्ची को कस्टडी में भेजा गया था। हालांकि बाद में आपराधिक आरोप हटा दिए गए, लेकिन बच्ची को माता पिता को नहीं सौंपा गया। अब इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बच्ची को जल्द भारत लाने का आश्वासन दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 4 जून को 2 दिन के दौरे के लिए भारत आएंगे। यहां वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। ऑस्टिन ने हाल ही में जापान, सिंगापुर, फ्रांस और भारत की यात्रा की घोषणा करते हुए कहा था कि वह राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं से मिलने के लिए भारत का दौरा करेंगे। भारत पाकिस्तान के मध्य हुए समझौते के तहत शुक्रवार देर रात पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने जिलों में पिछले लंबे समय से बंद सजा पूरी कर चुके 203 भारतीय कैदी मछुआरे को वाघा पाकिस्तान अटारी सरहद के माध्यम से वतन के लिए रिहा कर दिया है। ये सभी मछुआरे मछली पकड़ते हुए पाकिस्तान की समुद्री सीमा पार कर गए थे, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल सजा पूरी करने के बाद इनको छोड़ दिया गया है। ओडिशा में वह भयानक ट्रेन हादसे ने एक बार फिर भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस मुश्किल वक्त के बीच रेलवे का वो सुरक्षा कवच सुर्खियों में है जिसका उद्घाटन पिछले साल हुआ था। दरअसल रेलवे ने अपने पैसेंजर की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कवच का निर्माण करवाया था, जिसके अस्तित्व में आने के बाद ये माना जा रहा था कि भविष्य में ट्रेन हादसों पर एक दिन जरूर लगाम लग जाएंगी। ऐसी उम्मीदों के बीच बालासोर में हुई त्रासदी ने लोगों के दिलों को दहला दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 मई 2003 की रात ट्वीट कर ऐलान किया कि राज्य में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का बिल नहीं आएगा। फिर 100 यूनिट प्रति माह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त के साथ 200 यूनिट तक के अस्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं उनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। अब निर्णय से राजस्थान भी अब उन राज्यों के साथ शामिल हो गया है जो पहले से अपने नागरिकों को मुफ्त अथवा सब्सिडी पर बिजली दे रही है। गौरतलब है कि इस मुफ्त बिजली का भार राज्य सरकारों पर पड़ता है और उनके कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को लेकर चुप हैं, जिससे मामले की जांच करने वालों के लिए संदेश अस्पष्ट है। बता दें कि सिब्बल उच्चतम न्यायालय में प्रदर्शनकारी पहलवानों की पैरवी कर रहे हैं। ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मद्देनजर मडगांव स्टेशन पर गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह को रद्द कर दिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मडगांव स्टेशन पर गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करने वाले थे। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की स्थिति की समीक्षा के लिए एक विशेष बैठक बुलाई। साथ ही पीएम आज ओडिशा भी जाएंगे। यहां वे पहले बालासोर में दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे और फिर कटक के अस्पताल का दौरा करेंगे।
देश की सभी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी है। सभी इंजीनियरिंग करने की चाह रखने वाले स्टूडेंट का सपना होता है आईआईटी। हर साल लाखों स्टूडेंट प्रवेश परीक्षा देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही छात्र हैं जो उसमें सफल हो पाते हैं और उसमें दाखिला ले पाते हैं। आईआईटी में दाखिला लेने की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है, आईआईटी अपना दायरा भारत के बाहर भी बढ़ा रही है। दरअसल आईआईटी अपने 3 कैंपस भारत के बाहर स्थापित करने जा रही है। शुरुआत इसकी अफ्रीका देश तंजानिया से होने वाली है। ये कैंपस जांजा बीर, अबू धाबी और कुआलालंपुर में स्थापित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए साइबर रिजिलियंस और डिजिटल पेमेंट सेफ्टी कंट्रोल पर एक मास्टर निर्देश का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने 30 जून तक इस पर टिप्पणियां मांगी। इन्हें आरबीआई के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग को ईमेल या डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। स्कूली शिक्षा के बीच एक रूपता लाने और बोर्ड परीक्षाओं के आकलन का एक जैसा फॉर्मूला तैयार करने के इस पहल के बीच शिक्षा मंत्रालय का साफ मानना है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कड़ी व्यवस्था करनी होगी। देश की समूची स्कूली व्यवस्था में एक रूपता लाने की कोशिशें कितनी सफल होंगी या तो राज्यों के रुख पर निर्भर करेगा, लेकिन केंद्र ने इस दिशा में पहल तेज की है। फिलहाल राज्यों में जो जानकारी सामने आई है उनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य को छोड़ दें तो देश के अधिकतर राज्यों में छात्रों को विज्ञान या फिर वाणिज्य विषयों के मुकाबले आर्ट्स स्ट्रीम से जुड़े विषय अधिक पसंद है। मजदूर नेता से राजनीति के शीर्ष नेता तक का सफर तय करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस का 3 जून को जन्म हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस ने मजदूर नेता बन अपने राजनीतिक सफर को शुरू किया था। उनको जनता से प्यार और सम्मान दोनों मिला था। इन्होंने भारतीय राजनीति में अमिट पहचान बनाई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी धर्मों और पंथों को मानने वाले रहते हैं। कुछ देशों के मुकाबले में यहाँ मुसलमान सुरक्षित हैं। यहाँ स्वतंत्र तरीके से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं आती है। मौलाना ने यह प्रतिक्रिया राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर दी है जिसमें कहा गया है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं। भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में पाक ड्रोन ने सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में 2 बार दस्तक दी। तरन तारण जिले के अंतर्गत भारत पाकिस्तान सीमा के सेक्टर बी में रात 10 बजे पर OP-1 के पिलर नंबर 139B से पाकिस्तानी ड्रोन के भारतीय क्षेत्र में घुसने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद सीमा पर तैनात BSF के 103 बटालियन हरकत में आई। इसी बीच कुछ मिनटों के बाद ड्रोन भारतीय क्षेत्र में मंडराते हुए पाकिस्तान लौट गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में अपने आवास पहुंचे। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी। PM नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान जनरल इलेक्ट्रिक के भारत में जेट इंजन फैक्ट्री स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बता दें कि पहले भी अमेरिका इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रकट कर चुका है, मगर इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार की हरी झंडी के बिना अमेरिकी रक्षा कंपनियां देश से बाहर संयुक्त उपक्रम स्थापित नहीं कर सकती है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह अभी भी PM नरेंद्र मोदी के सुरक्षा कवच के भीतर है। 1 जून की रात 12 बजे गोरखपुर के जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु कल्याण अस्पताल में भर्ती 70 से ज्यादा प्रसूता महिलाओं के लिए जानलेवा बन इंजेक्शन और उसके बनाने वाली कंपनी पर शासन की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। शासन इंजेक्शन और संबंधित कंपनी का डिटेल जिला महिला अस्पताल के SIC और प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों से तलब किया है। साथ ही इस इंजेक्शन के प्रयोग पर बैन और स्टॉक को सील करने का निर्देश दिया है। हर साल से भक्तों को इंतजार रहता है कि बाबा बर्फानी के दर्शनों का, महीनों पहले इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है ताकि भक्तों को किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि श्री अमरनाथ जी के श्राइन बोर्ड के अधिकारी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की जरूरतों और आवश्यकताओं में किसी तरह की कोई परेशानी ना, इसके लिए कड़ी मेहनत में जुटे हुए हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, नन्नू गोलू कुमार, आफ्ताब अजीज, मोहम्मद साकिर हुसैन, रोशन भास्कर, दीपक कुमार। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ओडिशा से भयावह रेल दुर्घटना की खबर सामने आई है, भविष्य में ऐसे हादसे से बचने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।